जानता हूँ तुम्हारी इच्छा नहीं थी, किंतु तुम पर ही भरोसा करके यहाँ चला आया माँ। तुम माँ हो ना, जैसे सदैव मुझे राह दिखाई है, आगे भी तुम ही राह दिखाना माँ। यहाँ आ तो गया हूँ, किंतु मुझे नहीं पता यहाँ से आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये तो सोचा ही नहीं कि किसके साथ क्या करके आए हैं आप पंडित रामकृष्ण जी। बीरबल, तुम यहाँ? पंडित रामकृष्ण जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको मेरी बुद्धि, मेरी समझदारी, मेरी सहन शक्ति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। नहीं नहीं बीरबल, तुम कदाचित गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ। आप ये मत भूलिए कि हम माता के मंदिर में खड़े, और यहाँ मात्र सत्य ही बोला जाना चाहिए। आप क्या चाहते थे ये मैं समझ गया। आप धोखा देना चाहते थे और आपने धोखा ही दिया। छल किया मेरे साथ, छल आरंभ आपने किया था, अब अंत मैं करूंगा। पंडित रामकृष्ण जी, प्रतीक्षा कीजिए बीरबल के पलटवार की। आप धोखा देना चाहते थे और आपने धोखा ही दिया। छल किया मेरे साथ, छल आरंभ आपने किया था, अब अंत मैं करूंगा। जो बापू ने छुपाया वो तुमने उस बीरबल को बता दिया, अब इनके गुस्से के सामने कहाँ छुपोगे। इस बार किसके पेट में दर्द हो रहा था, किसके पेट में बात नहीं पची कि रहस्य को रहस्य नहीं रहने दिया। मुंह से निकल गया। मैं क्या करती, बीरबल ने अपने सर की सौगंध दे दी थी। अरे कितनी भोली अम्मा है, देखो तो, ये बताने की भी सौगंध दी थी कि मैं मंदिर में हूँ। मैंने नहीं बताया, इसने इतने गुंडप्पे, तुझे भी अपने सर की सौगंध दी थी क्या? नहीं लवा, मैं सौगंध वोगंध नहीं मानता। सौगंध वोगंध नहीं मानता, फिर कौन से घंटी की लालच में ये बता दिया कि मैं माँ के मंदिर में हूँ। लामा, अम्मा का तो मौनलत है, फिर भी उनके मुँह से निकल गया। अरे मैं तो बोलता, तो मेरे मुँह से कैसे नहीं निकलता। वाह, तुम लोगों ने तो मुँह से निकाल दिया, किंतु पता नहीं महाराज इस बात का क्या अर्थ निकालेंगे। ऐसे भी बीरबल क्रोधित होकर गया है, और यदि गुरुवर ने महाराज के कान भर दिए ना, तो महाराज छल करने के आरोप में मुझे कड़े से कड़ा दंड दे देंगे। अब हमें वो पुनः मिल जाएगा जो हमसे खो गया था। क्या गुरुजी? हमारा अधिकार, विजयनगर पर हमारा अधिकार, पंडित रामकृष्ण की हार पर प्रस्थान के बाद पुनर्जीवित हो गया है। गुरुजी सुनिए, अब हम नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, हम सुनाएंगे, सब सुनेंगे और मानेंगे हमारी बात। किंतु गुरुजी, अभी तो आप अपने दोनों कान खोल कर सुनिए, बाहर बज रहा है घंटा, न्याय का घंटा, बाहर कोई न्याय की विनती कर रहा है। हाँ गुरुजी, ये जो आपातकालीन घंटा बज रहा है, ये आपातकालीन घंटे की ध्वनि में एक घोषणा है, सुनाई दे रही है तुम्हें? ये उद्घोषणा है हमारे वर्चस्व के पुनः स्थापित होने की। पंडित रामकृष्ण है नहीं, समस्या सुनेगा कौन? अब समस्या सुनेंगे भी हम और सुलझाएंगे भी हम, और हम बन जाएंगे पहले वाले राजगुरु तथा चारे। परंतु गुरुजी, महाराज तो दरबार में आएंगे नहीं,
मेरे बच्चों, न्याय की पुकार का आपातकालीन घंटा बजाया गया है। महाराज को तो आना ही होगा, और महाराज आएंगे, अवश्य आएंगे। महाराज, निसंदेह जिस किसी ने भी वो आपातकालीन घंटे को बजाया और न्याय की मांग की, उसकी पूर्ति हेतु आपको चलना ही चाहिए। आप हमारे महामंत्री जी हैं, इतने अनुभवी दरबारी हैं, आप ही चले जाइए और उनकी गुहार सुन लीजिए। परंतु महाराज, वो महामंत्री जी, इच्छा नहीं हो रही है हमारे दरबार जाने की। उचित है महाराज, परंतु आज अगर आप दरबार में नहीं आए तो वो प्रथा जो आपके तुलवा वंश में बरसों से चली आ रही है वो टूट जाएगी। महाराज, महाराज, हम आपकी मानसिक स्थिति समझते हैं, परंतु आपको ये समझने का प्रयास करना चाहिए, जो बिना कुछ विचार किए आपको छोड़कर चला गया, आप उस व्यक्ति के बारे में कब तक विचार करते रहेंगे? हम ये क्या सुन रहे हैं महाराज? हमारे जैसी सर्वगुण संपन्न रूपवती महारानी के होते हुए आप किसी और के विषय में विचार कर रहे हैं? आप जिसके भी विषय में विचार कर रहे हैं उस विचार को त्याग दीजिए, और देखिए हम आपके लिए क्या बना कर लाए हैं, स्वादिष्ट भिंडी की चटनी। नहीं, नहीं, अर्थात ये आप क्या कह रही हैं महारानी तिरुमलम्बा? हम यदि विचार रहित बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम इसके यादों में विचलित हो चुके हैं। हम केवल बैठकर सेब काट रहे हैं, और महामंत्री जी आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? महाराज, इसने आपातकालीन घंटी बजाई है, न्याय की गुहार की है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना चाहिए और उनकी उनकी समस्या को सुलझाना चाहिए। अब जाइए, हम अभी आते हैं। अवश्य महाराज। क्या बात है महारानी तिरुमलम्बा, क्या बात है, आपके सामने महाराज एक चुटकी में दरबार जाने के लिए प्रेरित हो गए। आपने तो असंभव को संभव कर दिया, कमाल। हमने ऐसा क्या कर दिया? बताइए महामंत्री जी, कौन है वो जिसने आपातकालीन न्याय का रास्ता चुना है? और आशा करते हैं कि उस न्याय प्रार्थी के पास योग्य कारण होगा, अन्यथा आज वो हमारे क्रोध को सह नहीं पाएगा। अवश्य महाराज। न्याय का घंटा मैंने बजाया महाराज। बीरबल, प्रणाम महाराज। बीरबल महोदय, आप क्या आपातकालीन घंटा आपने बजाया था? जी महाराज। बीरबल महोदय, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जो न्याय के लिए आपातकालीन विकल्प को चुनना पड़ा? महामंत्री जी, समस्या ही कुछ ऐसी। बीरबल महोदय, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए और शीघ्र कहिए। महाराज, मैं विजयनगर के दरबार से समस्त विजयनगर, उसकी प्रजा और महाराज आपके लिए न्याय मांगता हूं। ऐसा क्या हुआ जो आपको समस्त राज्य के लिए न्याय चाहिए? छल, राज्य के साथ छल हुआ। और किसने किया है ये छल? पंडित रामकृष्ण जी ने। और इसके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। अच्छा है बीरबल, लगे रहो लगे रहो। ऐसा लगता है बीरबल पंडित रामकृष्ण को देशद्रोही सिद्ध करके ही रहेंगे, हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। महाराज, जिसे विजयनगर ने महान पंडित की शेरनी में रखा, जिसे आपने मुख्य सलाहकार के पद पर आसीन किया, वो तो मुख्य रूप से महामूर्ख निकले। बीरबल महोदय, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसे स्पष्ट कीजिए। यदि कोई दोषी है, और वो जो कोई भी है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। जब भी कोई भारी नवयुवक इस महान दरबार में आता है तो उसकी आंखों में एक सपना होता है, इस दरबार में एक पद मिले और राजकीय आवास के स्वामी और उनके परिवार का मान महाराज की कृपा और प्रजा के आदर से बढ़ता रहे, अर्थात जीवन की हर भव्यता का वो भोगी। ये सब पंडित रामा जी को आपके कारण पहले से ही प्राप्त था, परंतु फिर भी वो छल कर आपको पीठ दिखाकर चले।
पंडित रामा जी ने न जाने कितने अवसरों पर अपने प्राण को न्योछावर कर कर्तव्य के मार्ग पर खड़े रहे, ये सिद्ध करने के लिए कि वो कितने जिम्मेदार हैं। परंतु अंत में उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाई दिया और छल किया। इतना विश्वास तक पंडित रामा कृष्णा के विरुद्ध हम भी नहीं उगल सके। महाराज, एक तरफ उन्होंने अपने आप को सबसे गंभीर पदाधिकारी सिद्ध किया और दूसरी ओर सारे नियमों को ताक पर रख दरबार में इतने विलंब से आए कि महाराज आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतनी अनुशासनहीनता। सत्य कथन बीरबल, सत्य कथन। महाराज, बीच बीच में दरबार में न्याय की अपेक्षा में आने वाली समस्या को भी सुलझाते रहे, चाहे वो जितने भी जटिल हो, ताकि ये भ्रम बना रहे कि वो राज्य के लिए कितने उपयोगी है। ये और बात है महाराज कि आप कार्य के लिए उन्हें बार बार उपहार देते रहे। प्रजा की गुत्थी सुलझाना तो एक दिखावा था महाराज, उन्होंने अपनी गुत्थी सुलझाई और चले गए आपको पीठ दिखाकर। सामान्य रूप से हमारे स्वभाव, हमारा कौशल और हमारे गुणों की सबसे अच्छी परख हमारे परिवार वालों को ही होती है। जब कुछ समय के लिए मैं पंडित रामा जी के घर रहने गया तो मैंने देखा कि उनकी अम्मा उनको बहुत सुस्त और कामचोर समझती है और उनकी पत्नी शारदा देवी, उनको पंडित रामा जी में समझदारी का कोई भी गुण नजर नहीं आता, अर्थात क्योंकि घर में ही उनका कोई विशेष सम्मान नहीं है। परंतु घर से बाहर निकलते ही उनका सम्मान प्रजा और दरबार में आसमान को छूता था और फिर भी इस मान सम्मान को पाताल में धकेल दिया और पीठ दिखाकर चले गए। ये सब बिना कठिन प्रयास के जो मिल गया था उन्हें, इन सब का मूल्य की ही समझ नहीं थी और महाराज उन्हें तो बोलने की भी समझ नहीं थी। जब बोलना चाहिए तब बोलते नहीं थे और जब नहीं बोलना चाहिए तब अवश्य बोलते थे। कभी कभी तो महाराज आपके समक्ष भी अपनी मर्यादा भूल जाते थे और सुनते तो वो किसी की भी नहीं थे। यहां तक कि महाराज जब आपने उन्हें रुकने को कहा तो भी आपकी नहीं सुनी और पीठ दिखाकर चले गए। बीरबल महोदय, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, आपको क्या कही है कि जो नहीं आप... महामंत्री जी, इन्हें बोलने दीजिए, ये जो कह रहे हैं हम सुनना चाहते हैं। कहिए बीरबल महोदय। इससे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, वो किसी और के विषय में कैसे सोच सकता। कभी तो विजयनगर से जाते समय केवल वस्त्रों की चार ही जोड़ी थी उनके पास और उनकी पत्नी विवाह के इतने वर्ष बाद भी उन्होंने वही गहने पहने थे जो वो मायके से लाई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने धन नहीं कमाया, राज्य की ओर से उपहार भी निरंतर प्राप्त किए, परंतु वही एक बुरी आदत, गरीबों और दरिद्रों का दुख ना देख पाना। सब दान कर देते थे महाराज। अब वो तो है सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य कह रहे हैं आप महाराज जी। दान दक्षिणा तो राजाओं महाराजाओं का गुण होता है। अब यदि एक पंडित अपना सब कुछ दान कर दे तो मूर्खता ही कहलाएगा और क्या। कहीं बीरबल भूल कर आवेश में आकर पंडित रामा कृष्णा की प्रशंसा तो नहीं कर रहा। महाराज, इससे अधिक मूर्खता उन्होंने तब की जब उन्होंने आपकी उदारता को नहीं समझा। ये सत्य है कि उनके होते हुए विजयनगर पे बड़ी से बड़ी अनहोनी नहीं आ पाई, क्योंकि वो स्वयं ही उससे टकरा जाते थे। और ये भी सभी को पता है कि सत्य और कर्तव्य के कारण कितनी बार फांसी के फंदे तक पहुंच जाते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी उदारता का गलत उपयोग करें। महाराज, हम सबको पता है यदि कोई आपके आग्रह को ठुकराए तो उसका जीवन ठोकर खाते व्यतीत होगा, परंतु वो बड़ी शान से आपके आग्रह को अनदेखा कर चलेगा। ऐसी अवहेलना करने का दंड कम से कम मृत्यु दंड होता है, परंतु वो आपकी उदारता को ढाल बनाकर निकल गए अपनी पीठ दिखाकर। क्या उन्होंने आपकी उदारता का दुरुपयोग और अपमान नहीं किया? महाराज, उनके इस कदम से राजकीय मर्यादा का सर नीचे हुआ। यदि उनके स्थान पर कोई और होता तो आप क्या दंड देते महाराज? उसका शीश उसके धड़ से अलग करवा देते और क्या। जी राजगुरु जी, किसी राजा का आह्वान उसके राज्य का अंतिम आह्वान होता है, परंतु पंडित रामाकृष्ण जैसे बड़े पंडित ने इस आह्वान को एक कान से सुनने योग्य नहीं समझा। बीरबल महोदय, आप विषय से भटकिए मत, सीधे सीधे समस्या पर आइए। जी महाराज, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों पर विचार करें
जब जब उनसे कोई चूक हुई उन्होंने आपके मोम जैसे हृदय को कोई ना कोई बहाना बनाकर पिघला दिया और दंड से बचते रहे। कितनी बार निष्कासन भी किए गए परंतु फिर भी नहीं सुधरे और सुल्तान बाबर के दरबार में जा बिना कुछ सोचे समझे उनसे भिड़ गए। इसका संदेश सुल्तान को यह गया होगा कि क्षत्रिय होकर भी विजयनगर के महाराज युद्ध से डर गए और एक पंडित को आगे कर दिया, अन्यथा युद्ध होता तो क्या होता। दोनों ओर से लाखों सैनिक वीरगति प्राप्त करने थे और की, परंतु लाखों सैनिक को बचाने के बदले आपके साथ छल करना क्या योग्य है? ये छल करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? बीरबल महोदय, आप हमारी दुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ आप पंडित रामकृष्ण पर आरोप लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप उनके गुणों की चालीसा गाए जा रहे हैं। यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या है ये? स्पष्ट कहिए, कौन सा छल किया है उन्होंने जिसके कारण वो भाग गए हैं? महाराज, पंडित रामा जी ने भरी दरबार में आपको, मुझे और पूरी प्रजा को छला। अपने ज्ञान के अभिमान से इतना भर चुके थे कि उन्हें मुझ जैसे बालक के साथ प्रतियोगिता करना अपने अपमान जैसा लगा। प्रतियोगिता में मुझे जिताकर अपने आप को महान बनाना चाहते थे। उनके हृदय में मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा का कोई स्थान नहीं था। इसलिए तो एक प्रतिबंधी होने के नाते भी उन्होंने मुझे अपने घर में स्थान दिया और अम्मा ने पुत्र का प्रेम, उनकी पत्नी ने बहन का स्नेह दिया। परंतु महाराज, इस प्रेम और स्नेह के पीछे छुपा हुआ षड्यंत्र मुझे नहीं पता था। कैसा षड्यंत्र? महाराज, जब मैं विजयनगर आया तो मैंने देखा कि पंडित रामा जी का अहम उनके कट से कहीं ऊंचा था। तो है। उन्हें ये नहीं पसंद था कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करूं। उन्हें लगा कि उनके एक क्षेत्र राज्य को कोई हिलाने वाला आ गया। वो मेरी जीत तो क्या, मुझसे मुकाबला भी नहीं करना चाहते थे। परंतु उनका परिवार इसके कुछ विपरीत ही चाहता था। महाराज, मुझे ये तब पता चला जब मैं तेनाली गांव गया और अम्मा से मिला। मुझे ये भी पता चला कि जिस रात हम सोने के चोरी की गुत्थी सुलझा रहे थे, उस रात को बिना भोजन खाए उठ गया। अम्मा, रोज रोज एक ही भोजन खाना अच्छा लगता है क्या? तो रोज रोज जीतना भी अच्छा लगता है क्या? हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं रोज रोज जीतता हूँ तो इस बार हार जाऊं? ओ अमेश्वरी, मैं यहाँ देवी माँ से अपनी जीत का आशीर्वाद मांग रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो? मैं भी माँ होने के नाते गलती से बीरबल को जीतने का आशीर्वाद दे चुकी हूँ। क्या? उस भोले मासूम बीरबल के चेहरे को देखकर मैं भी सोच बैठी कि कम से कम उसे एक ऐसा आशीर्वाद दो जिससे वो जीत जाए और उसका मनोबल भी बढ़े। और उसका मनोबल बढ़ाने के चक्कर में तुम इतना आगे निकल गई कि ये भी भूल गई कि वो तुम्हारे पुत्र का प्रतिद्वंदी है। क्या तुमने भी कोई आशीर्वाद दिया है? हमने तो मन्नत मांगी है। शिव 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 शिव। अरे कहाँ जा रहा है? तुम दोनों ने मुझे हराने के लिए क्या क्या किया है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। उस रात पंडित रामा जी के घर इस सब के बाद भी बहुत कुछ हुआ। पंडित रामा जी वापस आए और आरंभ हुआ षड्यंत्र रचने का किस्सा, जिसमें अम्मा, शारदा देवी और स्वयं पंडित रामा जी सम्मिलित थे। अम्मा, यदि ये जीते ना तो केवल बीरबल हारेगा नहीं, उसका संपूर्ण भविष्य हार जाएगा जो कभी उज्जवल हो सकता था, और हम रामा को मना भी नहीं सकते। हाँ अम्मा, उसे मनाना असंभव होता है जो पहले से ही माना हुआ हो। तुमने जो आशीर्वाद बीरबल को दिया है और तुमने जो मन्नत उसके लिए मांगी है, मेरे मन की भावनाएं उससे अलग नहीं है। मैं तो केवल आश्वस्त होना चाहता था कि तुम दोनों उसकी जीत के लिए कितनी प्रतिबद्ध हो। यही जानना चाहती हो ना कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मुझे उसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखता है अम्मा। तुम दोनों तो केवल उसके सदाचार से प्रभावित हो, किंतु मेरे ऊपर तो उसके पूरे व्यक्तित्व ने अपना प्रभाव छोड़ा है। उसने तुम दोनों के हृदय को ही नहीं छुआ, अभी तो मेरे हृदय में एक छोटे भाई का स्थान भी बनाया है। मैं जानता हूं अम्मा, यदि वो हार गया तो सह नहीं पाएगा। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, उसे चाहिए तो बस वो प्रोत्साहन, ताकि उसका आत्मविश्वास सदैव बना रहे। इसलिए मैं तुम दोनों को आज एक वचन देता हूं कि चोर कोई भी पकड़ रहा है,
जीतेगा तो बीरबल ही। महाराज, पंडित रामा जी ने मुझे इतनी तुच्छ भरी नजर से देखा, इस योग्य नहीं समझा कि मैं जीत सकता हूं। वैसे तो कार्य के दौरान उन्होंने मुझे कई संकेत दिए, परंतु महाराज अंत में ऐसा संकेत दिया जिसके कारण मैं चोर सूर्यराम को पकड़वाने और इस प्रतिस्पर्धा को जीतने में कामयाब हूं। परंतु महाराज यदि वो चाहते तो वो स्वयं सूर्यराम को पकड़कर इस प्रतिस्पर्धा को जीत सकते थे। बीरबल, तुम्हारे उत्तर भारत में नीले रंग के आम मिलते हैं? नीले रंग के आम ना ही कभी सुने और ना ही कभी देखे हैं मैंने पंडित रामा जी। किंतु सूर्य राव के घर पे मैंने तो देखा था, मुझे वही नीले रंग का आम लाकर दो। महाराज, उन्होंने जानबूझकर हार कर मेरे झोली में जीत की भीख डाल दी। मेरी प्रतिभा को दरबार में इतना सराहा नहीं गया जितना पंडित रामा जी ने अपमानित कर दिया। और ऐसा कर उन्होंने ना केवल प्रतियोगिता के नियम को तार तार किया है, अपितु जीती हुई बाजी जानबूझकर हार कर राज्य के साथ छल किया है। महाराज, उन्होंने दरबार में अपने पद को ऐसे त्याग कर दर्शा दिया कि उनके अहम के सामने कुछ नहीं आ सकता। महाराज, आपने उन्हें मात्र दरबार और राज्य में ही स्थान नहीं दिया था, अभी तो अपने हृदय में स्थान देकर मित्र भी माना था। तो महाराज आप ही बताइए, जो आपको, दरबार को, राज्य को, प्रजा को ठेस पहुंचाकर चला गया, उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए? होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सत्य कथन है आपका बीरबल महोदय। आज आपने न केवल हमारी अपितु समस्त दरबार की आंखें खोल दी है, ऐसे व्यक्ति को तो दंड मिलना ही चाहिए। किस अधिकार से पंडित रामकृष्ण ने लिए ये सारे निर्णय? क्योंकि वो जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया उनके लायक है ही नहीं, और यही उनका सबसे बड़ा अपराध है। हम आज आपको ये आदेश देते हैं बीरबल महोदय, जाइए और उस पंडित रामकृष्ण को बंदी बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। ताकि हम उन्हें वो दंड दें जिसके वो अधिकारी हैं। कड़े से कड़ा दंड मिलेगा पंडित रामकृष्ण को। जी महाराज। महाराज, सोने दे, मत जगा। इतने वर्षों बाद ऐसे सो रहा है जैसे बचपन में मेरी गोद में सोया करता था, बिल्कुल चिंता मुक्त। तेनाली आते ही अम्मा तो लाड लड़ाने लगी है। बापू का बचपन लौट आया है या अम्मा की ममता लौट आई है? कच्ची निद्रा से उठेगा तो लगेगा मरे हो की बाल की खाल निकाले। किसने आवाज की? ना मैंने थी और ना मेरी घंटी ने थी। हमने भी नहीं की। चल चल के देखते हैं। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को छलने के अपराध में हम पंडित रामा जी को बंदी बनाने आए। बंदी बनाने? हाँ, बंदी बनाने। माँ के मंदिर में मैंने आपको वचन दिया था कि आप मेरा पलटवार देखेंगे। अब भला इसी में है कि आप आत्मसमर्पण कर दें? हाँ हाँ, वो तो मैं कर दूंगा, किंतु हाथी और बाजों के साथ बंदी बनाने कौन आता है? कुछ लोग छल करते हैं फिर भी उनका स्तर काफी ऊंचा होता है, इसलिए उन्हें बंदी भी ऊंचे सवारी पर ही बनाया जाता है।
देखो, आत्मसमर्पण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है बीरबल, किंतु मेरा परिवार ये भी बच के कहीं जा नहीं सकते, इनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। आओ। महाराज का आदेश है कि पंडित रामा जी को शीघ्र दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आप अपनी सवारी पे आ जाइए। पंडित रामा जी, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चलिए। बंदी बनकर विजयनगर जा रहा हूँ या अतिथि बनकर? पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। ये सब क्या हो रहा है? शारदा, इसे बंदी होना कहते हैं? तो भगवान रामा को हर सप्ताह बंदी बना के रखे। हाँ माँ, निष्कासित होने से तो अच्छा ही है, परंतु नहीं नहीं, हर सप्ताह में एक बार नहीं, एक माह में एक बार, अन्यथा पालकी की सवारी का स्वाद ना फीका पड़ जाएगा। नहीं नहीं, इन्हें अपने आनंद की पड़ी है, ये नहीं पता कि आगे क्या समस्या खड़ी है। से बंदी बना कर लाने को कहा था, इसकी जय जयकार क्यों हो रही? बीरबल, ये है तुम्हारा पलटवार, मुझे तो यहाँ की सारी काया ही पलटी हुई लग रही है। पंडित रामा जी, जैसा आपका छल वैसा ही आपका स्वागत। आइए। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। आइए पंडित रामकृष्ण, हम आपका और आपके परिवार का विजयनगर राज्य के दरबार में सहर्ष स्वागत करते हैं। स्वागत हो रहा है। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, बीरबल महोदय ने हमें आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। हमें यह ज्ञात है कि आपने हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ छल किया है, अतः आपको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और आपका दंड यह है पंडित रामकृष्ण कि आज के पश्चात आप विजयनगर राज्य को छोड़कर जाने के विषय में विचार भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसे मत देखिए पंडित रामा जी, आप जो मुझे देखकर गए थे मैंने वापस आप ही को लौटा दिया। जब से तुम आए हो ना, मेरा जीवन सीमा पर पहरा देने वाले सैनिक की भांति हो गया है, जो कोई चूक नहीं कर सकता, चूक करेगा तो मरेगा। चुनौती देने से आरंभ करके धमकी देने तक तो पहुंच ही गए हो तुम, अब आगे और क्या करना चाहते हो भाई? विजयनगर आने से पहले भी मेरा एक ही सपना था पंडित रामा जी, और आज भी वही है, आपके पद चिन्ह पर चलना। और पंडित रामा जी, आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, अब सदैव स्वयं को गौरवशाली मानूंगा कि आपका साथ पा सका। देख लिया गुरुजी, धनी मनी ने तो पहले ही मना किया था, नकली दान मत दो मत दो, ये फिर से लौट के वापस आ जाएगा, देख लो आ गया वापस। मानी नहीं बात, इस बीरबल को यहाँ लाने का हमारा उद्देश्य यही था।
पंडित रामकृष्ण को अष्ट दिग्गज नहीं बनने देना। बनने तो हम इसे अब भी नहीं देंगे। महाराज, महाराज गुरुवर पंडित रामकृष्ण के आने से मनी मन इतने प्रसन्न है कि उनकी खुशी उनके शब्द का रूप लेने के लिए आतुर है। गुरुवर, महाराज हम तो बस वो। अरे गुरुवर, इस शुभ अवसर पर आपके दो मीठे बोल अगर कान में नहीं पड़ेंगे तो सारी खुशी फीकी हो जाएगी ना। बोल भी दीजिए ना, अष्ट दिग्गज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, वो नहीं, नहीं महाराज, वो हम विचार कर रहे थे महाराज, हम विचार कर रहे थे कि ये पंडित रामकृष्ण विजयनगर का छोड़कर गए, अपना अष्ट दिग्गज बनने का भाग्य पीछे छोड़ गए। गुरुवर, एक कर्मवादी और योग्य पुरुष के भाग्य का सूर्य तब तक अस्त नहीं होता जब तक वो प्रयास करना बंद नहीं कर देता, और पंडित रामकृष्ण अभी अष्ट दिग्गज बनने हेतु प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर, हमें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, कृपा करो ईश्वर, अपने भक्त पर कृपा करो, हमें एक दिन में इतने झटके खाने की आदत है ही नहीं। जी हाँ पंडित रामकृष्ण, आपके पास अब भी अवसर है अष्ट दिग्गज बनने का। तुम अपना उचित प्रदर्शन दिखाओ रामा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, मात्र कर्म तुम्हारे हाथ में है रामा, फल कदाचित मेरे ही हाथ में है। सभी सप्त दिग्गजों ने एक मत से एक प्रश्न तैयार किया है आपके लिए। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, प्रश्न कोई भी हो पंडित रामकृष्ण के पास उसका उत्तर अवश्य होगा। आप उचित कह रहे हैं मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण, तुम्हारी आशाओं के दीप को अभी प्रश्न के तूफान के सामने आना शेष है, फिर देखना तुम्हारी आशा कैसे निराशा में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए पंडित रामकृष्ण, क्या आप तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु? जी महाराज, मैं देवी माँ का ध्यान धर पूरे हृदय से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पंडित रामकृष्ण ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, आपको उनके नाम उच्चारित करने होंगे। यदि आप ऐसा करने में सफल हुए तो आप अष्ट दिग्गज बन सकते हैं पंडित रामकृष्ण। अब इसका उत्तर क्या है ये तो हमको ज्ञात नहीं, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि इसका उत्तर कोई दे ही नहीं पाएगा। पंडित रामकृष्ण की छोड़िए, आप 33 देवताओं के नाम गिनवाइए। हाँ, उसके बाद हम आपके धनी मनी आपको दिग्गज गुरु घोषित करवा देंगे। गिनवाइए गिनवाइए। गधे, 33 करोड़ देवता। पंडित रामकृष्ण, हम आपके मौन का क्या अर्थ समझे, भूलिए मत ये अंतिम अवसर है आपके अष्ट दिग्गज बनने का।
पंडित रामकृष्णा, क्या आप दरबारियों के समक्ष 33 करोड़ देवताओं के नाम बता पाएंगे या नहीं? नहीं महाराज, मैं तो क्या इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यहां तक कि किसी भी वेद या उपनिषद में इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ ही नहीं सकते, और कारण यही है कि प्रश्न ही गलत है। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उत्तर नहीं दे सकते तो प्रश्न के सही होने पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। पंडित रामकृष्ण, प्रश्न के ही अस्तित्व को गलत ठहराने वाला ये कैसा उत्तर हुआ? क्षमा करें महाराज, यदि आप मुझसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ, किंतु यदि आप मुझसे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो वो कंठस्थ है मुझे। महाराज, ये पंडित रामकृष्णा कितनी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। अब भला करोड़ और कोटि में क्या अंतर है? वही अंतर है गुरुवर, जो मात्रा और समूह में है, जो सीमित और असीमित में है। महाराज, हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान। पंडित रामकृष्णा, आपको आभास है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ गुरुवर, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं दूसरे उपनिषदों में मिलता है। यही प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवाल्क्य प्रश्नावली में भी पूछा गया है, आपने भी अवश्य ही पढ़ा होगा। हाँ, तो क्या हम बिना पढ़े ही राजगुरु बन गए? हाँ। महाराज, प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। यदि विस्तार में बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, द्योस अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल अर्थात अग्नि, प्रभास अर्थात अरुणोदय जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम है सोम अर्थात चंद्रमा। अब 12 आदित्य। 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं। प्रथम है शक अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि या पुष्ण जो प्रतीक है समृद्धि का, नौवां है सवित्र या पर्जन्य जिसका अर्थ है शब्दों में छिपी हुई शक्ति, दसवां है सूर्य या विवस्वान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, ग्यारहवां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, और बारहवां और अंतिम है वामन जिसका अर्थ है ब्रह्मांड्य कानून।
वाह पंडित रामकृष्ण, बिल्कुल सही कहा आपने। वेदों में ऐसा ही वर्णित है, ऐसा ही वर्णित है महाराज वेदों में। अब 11 रुद्र जो हमारे 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनमें से प्रथम 5 हैं आनंद अर्थात प्रसन्नता अथवा खुशी, दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, तीसरा है मनस अर्थात विचार, चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति और पांचवा है वाक अर्थात व्याख्यान। शेष 6 में से 5 महाशिव के रूपों के नाम है। प्रथम है प्रथमासान अर्थात शशक, दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण, पांचवा है सद्योजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ, और अंतिम है आत्मा, हम सब में विद्यमान अजर अमर आत्मा। तो इस प्रकार कुल योग हुआ 31। शेष हैं 2 अश्विनी कुमार। कुछ वेदों में ये स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। तो इस तरह 8, 11, 12 और 2 मिलाकर 33 हुए। क्यों गुरुवर, हो गए ना 33 कोटि देवता? हाँ, यही है 33 कोटि देवता। परंतु पंडित रामकृष्णा, आप बार बार हमसे क्यों पूछ रहे हैं? परीक्षा आपकी हो रही है, हमारी नहीं। जी बीरबल, यदि तुम्हें कोई अस्पष्टता हो तो। नहीं पंडित रामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे से समझाने के लिए। बस महाराज, इसी तरह किसी ने कुछ पढ़कर, कुछ और समझकर, कहीं कुछ और ही बोल दिया और हम सब ने मान लिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि मेरी इन बातों को यूं ही मत मान लीजिएगा। कुछ समय निकालकर स्वयं अध्ययन करें और इसकी सत्यता स्वयं परखें। जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपको इन 33 कोटि देवताओं का परम अर्थ समझ में आ जाएगा कि जिसे हम परमात्मा मानते हैं वो एक समूह ही तो है। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, आज आपने जिस प्रकार अपनी योग्यता का प्रदर्शन दिया है और इस अति कठिन प्रश्न का उत्तर दिया है, उसे सिद्ध होता है कि आप ही सबसे उत्तम है, सबसे योग्य है अष्टदिग्गज बनने हेतु। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय जो घोषणा करने जा रहे हैं, वो इतिहास सदैव याद रखेगा। पंडित रामकृष्णा, आपको आज से, अभी से, इसी समय से विजयनगर राज्य का अष्टदिग्गज घोषित किया जाता है। पंडित रामकृष्णा, जब भी विजयनगर राज्य का उल्लेख होगा, आपका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। हमें गर्व है कि आप हमारे अष्टदिग्गज हैं। पंडित
पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्णा, हमारी ओर से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुवर। माँ, अंततः तुमने मेरी झोली में ये क्षण डाल ही दिए। कहाँ जा रहे हो मित्र? पंडित रामा जी, कुछ यात्राओं का लक्ष्य मात्र भाग्य को ही पता होता है। मैं तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आया था जीवन में आगे बढ़ने से पहले। और वैसे भी आपने तो कहा था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरे म्यान की व्यवस्था पहले से ही सोच रखी है। यहाँ दक्षिण में मैं खड़ा ही हूँ ढाल बनके, तुम्हारी म्यान उत्तर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बीरबल, वहां जाओ। बीरबल महोदय, विजयनगर राज्य में आप आए थे खाली हाथ, परंतु खाली हाथ जाएंगे नहीं। महामंत्री जी, महाराज, बीरबल महोदय के लिए घोड़े, सिक्के और भोजन की व्यवस्था की जाए। पूरे राज के सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और एक बात बीरबल महोदय, ये हमारा विश्वास है कि आप अपने जीवन में समृद्धि और प्रसिद्धि की नई ऊंचाई छूने वाले हैं। हमारी और विजयनगर राज्य की शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद महाराज। इतना आकर्षक व्यक्तित्व तो है, कोई महान योद्धा प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, क्या तलवारबाजी है? सचमुच आप महान योद्धा हैं। आपका नाम? मेरा नाम शैतान सिंह है। अब क्या तुम मुझे यह बताने की चेष्टा करोगे कि राज दरबार का मार्ग किस ओर से है? यहाँ से सीधे जाइएगा, आगे जाकर आपको राजमहल मिलेगा। वैसे क्या आप राजकीय सेना में शामिल होने आए हैं? तेरे राजा कृष्णदेव राय के टुकड़े भी इसी बांस की भांति करने आया हूं मैं। बहुत जल्द इसी आदेश का पालन करूंगा मैं। जिसने कृष्णदेव राय को नहीं हराया वो कैसा योद्धा? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित करने के लिए तुम्हें विजयनगर के राजा को हराना ही होगा। जाओ, जाकर उसके दरबार में उसे चुनौती दो और ये शर्त रखो कि हारने वाले का सब कुछ जीतने वाले का हो जाएगा। उसे तुम्हारी शर्त मंजूर करनी ही होगी और फिर तुम कृष्णदेव राय को मुकाबले में मार देना। विजयनगर तुम्हारा और तुम हमारी सरपरस्ती कबूल कर लेना। तुम होगे विजयनगर के राजा और हम सुल्तान होगा विजयनगर का महाराजा।
पर क्या तुम सचमुच में कृष्णदेव राय को मार पाओगे? बहुत बड़ा सूरमा है वो सुल्तान। वीर योद्धा को मारकर ही तो मैं महावीर कहलाऊंगा, और मुझे राजा कहलाने से अधिक महायोद्धा कहलाना पसंद है। वैष्णदेव राय, बहुत जल्द ही तेरी मौत की खबर अपने सुल्तान तक पहुंचाऊंगा। अकेले अकेले खा रहा है बुड्ढा, ईश्वर करे इसका खाना खराब हो जाए, खाने में कीड़े निकल आए और खाने के पश्चात पेट खराब हो जाए। क्या हुआ स्वामी, आप चीखे क्यों? जीवा कट गई है हमारी। जीभ कैसे कट गई? जैसे कटती है दांत के नीचे। अब ये तो होना ही था गुरु माता, खाते समय यदि कोई किसी को कोसता है ना तो उसकी जीभ तो कटी जाती है। किसने कोसा हमें? कौन हो सकता है गुरुजी? हैं? कौन बताइए? अरे आपका शत्रु पंडित रामकृष्ण, देखिए उसने कोसा और आपकी जीभ कट गई। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। वो भोजन ग्रहण करते समय आपका ध्यान हिसाब खाते पर था, और जब खाते समय आपका ध्यान कहीं और होता है तो जीभ कट जाती है। आप बस अभी भोजन पर ध्यान दीजिए और सब भूल जाइए, हम आपके लिए पूड़ी और लेकर आते हैं। गुरुजी, सत्य कह रही है गुरु माता। गुरुजी, यही कारण है कि रामा हर बार जीत जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हर बार उसके सामने केवल एक ही समस्या होती है, इसलिए उसका ध्यान कहीं भटकता ही नहीं है और वो कभी कोई गलती करता ही नहीं है। हाँ। ओह, अच्छा अच्छा, तो इसका अर्थ है कि हमें पंडित रामकृष्णा के समक्ष एक साथ कई समस्याएं पैदा करनी होगी ताकि उसका ध्यान भटके और वो कोई त्रुटि करे, राष्ट्र दिग्गज का पद उससे छिन जाए। कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा जब अष्ट दिग्गज का पद पंडित रामकृष्ण से छिन जाएगा। दिलाया। क्या बोल रहे, कौन आया? आया नहीं, दिलाया है? क्या हुआ गुंडप्पा, क्यों रो रहे? किसी ने मारा तुझे? गिर पड़ा क्या? अच्छा समझ गया, आज रोने का मन कर रहा होगा। रो ले रो ले, रोना भी कभी कभी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, रो ले। तुम लोग नमक क्यों नहीं ले हो? उल्लाल तो लड़े दिलाया। ये कह रहे चढ़ाया चढ़ाया। तो हमें तो अनुवादक ही बन जाना चाहिए, कम से कम इस कार्य के कुछ धन तो कमा लेंगे। ऐसे ही अम्मा और गुंडप्पा की बातों का अनुवाद करना पड़ता है हमें। शारदा महोदया, पहले सुन ले किसने क्या चिढ़ाया। बोल तू बोल। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या उन लड़कों का इतना दुस्साहस? अभी ठीक करता हूँ उन्हें, चल मेरे साथ। क्या लंबी लड़ाई का आरंभ करने जा रहा है? यदि झगड़ेगा तो कल और चढ़ाएंगे, फिर और बड़ा झगड़ा होगा तो कल फिर चढ़ाएंगे, फिर झगड़ा करेगा। मामा मैं क्या करूं, वो इसे चिढ़ाते रहे और मैं यूं ही देखता रहूं। हाँ, गुंडप्पा को चिढ़ना बंद करना होगा। यदि वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा तो एक दो दिवस में उसे चिढ़ाना बंद कर देंगे। हाँ अम्मा, आप सत्य कह रही हैं। आवश्यकता मोहल्ले के लड़कों से झगड़ा करने की नहीं, अभी तो गुंडप्पा को योग्य बनाने की है। परंतु शारदा, ये गुंडप्पा के माता पिता ने उन्हें तेरे भरोसे यहाँ छोड़ा और तूने क्या किया? हाँ अम्मा, आप सत्य कह रही हैं। आवश्यकता है गुंडप्पा को योग्य बनाने की, ताकि आने वाले समय में वो अपनी बुद्धि और कौशल से हर समस्या का समाधान कर सके। उठा लो। क्या? इस समस्या का पीड़ा उठा लो। आलामा,
तूने मुझ पे कभी ध्यान नहीं दिया, तूने मुझे कभी कुछ नहीं दिखाया, तूने तो 5 साल अभी ले भेजी। अब भेजूंगा गुंडप्पे, क्योंकि अब तेरे अंदर पढ़ाई की इच्छा जागी है और बिना इच्छा के किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती पगले। इसलिए मैं आज से ही तेरे लिए एक उचित पाठशाला ढूंढना आरंभ कर देता हूँ। हाँ, किंतु पहले एक वचन दे कि मोहल्ले के बच्चों द्वारा चिढ़ाए जाने पर अब तू नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि गुंडप्पे हो सकता है जिस पाठशाला में तू जाए वहां के बच्चे भी तुझे चिढ़ाए। इसलिए तुझे ये समझना पड़ेगा कि तोतलापन कोई कमजोरी नहीं है और इसीलिए अपना पूरा ध्यान इन सब बातों से हटाकर अब तुझे केवल पढ़ाई पर ही लगाना होगा, क्योंकि पढ़ेगा तभी ज्ञानी बनेगा और लोग तेरे तोतलेपन को भूलकर तेरी ज्ञानवर्धक बातों पर ध्यान देंगे। इसलिए सबसे पहले तुझे चिढ़ना बंद करना होगा। वचन दे कि तू अब से नहीं चिढ़ेगा। मैं वचन देता हूँ लामा। अब मैं चलता हूँ, मुझे विजयनगर के द्वार पर पहुँचना है। वहाँ कौन सी पाठशाला है? वहाँ पाठशाला नहीं है, वहाँ मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। वो उड़ीसा के दरबार का बहुत बड़ा विद्वान है और भ्रमण करने के लिए केरल जा रहा है। वो अपनी लिखी हुई व्याकरण की पांडुलिपि मुझे देना चाहता है ताकि मैं उसका निरीक्षण कर सकूं। चलता हूँ। शीघ्र ही मुझे गुंडप्पे के लिए उचित पाठशाला ढूंढनी ही होगी। हाँ, ये मेरे मार्ग में हाथ गाड़ी कहां से आ गई? ठहरो। मित्र साकेत, यहाँ आओ। रामा, इतने दिवस के पश्चात मिल रहे हो और नगर द्वार से वापस जाना चाहते हो? क्या करूं रामा, समय ही नहीं मिलता है। ये तो घर आकर अम्मा और शारदा भाभी से अवश्य मिलता। हाँ, और अब तो वैसे भी तुम्हारे घर में एक नया मेहमान तुम्हारा बेटा भी आ गया है। लौटते समय अवश्य आऊंगा। अवश्य आना। और हाँ, तब तक तुम ये व्याकरण की पुस्तक की पांडुलिपि अपने पास रख लो और मेरे आने तक इसे पूरी तरह से देख लेना ताकि मैं तुम्हारी सलाह भी इसमें सम्मिलित कर सकूं। उचित है। और हाँ, शैतान सिंह से सावधान रहना। कौन शैतान सिंह? शैतान सिंह एक ऐसा योद्धा है जो सदैव शस्त्रों से सुसज्जित रहता है और वो विजय का भूखा है, इसीलिए देश भर में घूमकर योद्धाओं को मुकाबले के लिए चुनौती देता है और फिर मुकाबले में उनका क्रूरतापूर्वक वध कर देता है। और उसे हराना असंभव है क्योंकि उसने किसी योगी योद्धा से दिव्य युद्ध कला सीखी हुई है और उसकी पहचान है कि वो अपने पास हमेशा 2 तलवार रखता है। हाँ, मैंने अभी भी उसका बल प्रदर्शन देखा। वो सच में बहुत बलशाली है, किंतु वो तो दरबार की ओर जा रहा था। हाँ रामा, मैंने भी महाराज कृष्णदेव राय के बारे में पूछते हुए सुना उसे। वो महाराज को चुनौती देने जा रहा है। शीघ्रता करो मित्र, इससे पहले कि वो वहां पहुंचकर सबके सामने महाराज को चुनौती दे, तुम वहां जाकर सबको सावधान कर दो, क्योंकि उसकी चुनौती को स्वीकार करने का अर्थ है मृत्यु का आह्वान करना। महाराज भी शूरवीर है, वो स्वयं को उसकी चुनौती स्वीकार करने से रोक नहीं पाएंगे और ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा।
योद्धा, हमारे राज दरबार में किस प्रयोजन से पधारे हैं आप? मैं आपके दरबार में कुछ मांगने के लिए आया हूँ महाराज। अब जो मांगने आए हूँ मांग लो। क्या मांगना चाहते हैं आप? सुना है महाराज कि आप बड़े ही दानवीर हैं। मैं आपके इस राज दरबार में युद्ध का दान मांगने आया हूँ। युद्ध का दान? मैं एक सच्चा योद्धा हूँ महाराज, और विश्व भर में ही अपने से अधिक सच्चे और अच्छे योद्धा की तलाश कर रहा हूँ, परंतु आज तक मैं इस प्रयास में विफल रहा हूँ। इसी कारण मैं विजयनगर की धरती पर आया हूँ। क्या आपके राज दरबार में ऐसा कोई योद्धा है जो मुझे परास्त कर सके? यदि आपके योद्धा ने मुझे युद्ध भूमि में परास्त कर दिया तो मैं सदा के लिए आपके इस राज दरबार का दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके योद्धा को परास्त कर दिया तो उसका सर्वत्र मेरा होगा। तो क्या आपके राज दरबार में ऐसा कोई योद्धा है जो मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर सके? यदि है तो मेरे हाथ का पान का बीड़ा उठाकर मेरे द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार करें। कोई है कोई इस भरे राज दरबार में जो मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर सके और मुझे युद्ध कौशल में परास्त करे? यदि कोई है तो मेरे समक्ष आए और मेरे द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार करे। क्या हुआ महाराज, क्या आपके राज दरबार में एक भी योद्धा ऐसा नहीं जो मुझे युद्ध कौशल में परास्त कर सके? क्या विजयनगर से भी मुझे खाली हाथ ही जाना होगा? कोतवाल मंत्रीवर, मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। हम उठाएंगे ये बीड़ा और इसके गर्भ को चूर चूर कर देंगे। नहीं महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि ये बीड़ा कोई और उठाए। मुझे तो सबको सावधान करने का अवसर भी नहीं मिल पाया और शैतान सिंह ने दरबार पहुंचकर अपना कार्य कर दिया, परंतु महाराज को कैसे भी चुनौती स्वीकार करने से रोकना होगा। सोच रहा है वो खतरनाक है, वो मत करना तू। मेरी तो सोच रामा, ऐसे योद्धा चोटी पकड़ कर मारते हैं। मुझे चुनौती स्वीकार है। पंडित रामकृष्णा, किसी ने सही कहा है, मूर्खों के सिर पर सींग नहीं होते, वो अपने क्रियाकलापों से पहचाने जाते हैं। ये है एक और मूर्ख। पंडित रामकृष्णा तो गया काम से। हमारे पंडित रामकृष्णा आज तक जिसने तलवार नहीं उठाई
वो इतने बड़े योद्धा से मुकाबला कैसे करेगा? ये क्या किया आपने? क्षमा करें महाराज, किंतु यही एक अवसर है सबको अपनी युद्ध कला दिखाने का। क्या है कि मेरी युद्ध कला अभी तक किसी ने देखी नहीं है ना। आपकी युद्ध कला? हाँ महाराज, मेरी युद्ध कला। चित्थे, तो शर्त के अनुसार यदि तुम मुझसे इस युद्ध में परास्त हो गए तो तुम्हारा घर, तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता सब मेरे अधीन होंगे। ले रामा, अब बुरा फसाना। बीड़ा लेने से पूर्व चुनौती को ध्यान से सुन तो लिया होता। तो बताओ कब करोगे मुझसे मुकाबला? इसी क्षण करोगे क्या? रामा, तू तो अब मरेगा ही, साथ में तेरा परिवार जीवन भर के लिए इसका सेवक हो जाएगा। कम से कम इसे मुकाबले के लिए तैयारी का समय तो मांग ले। बताओ अभी? नहीं नहीं, अब अभी तो एक तरफा मुकाबला हो जाएगा। एक तरफा मुकाबला? ये क्या भूल गया पंडित रामकृष्ण? इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार है। ना ना, वो बात ये है कि अभी जो समय काल चल रहा है ना, उसके अनुसार इस समय इस काल में मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और महाराज, मैं नहीं चाहता कि विजय के पश्चात नगर के लोग ये कहें कि पंडित रामा तो अपने भाग्य के कारणवश जीत गए। मैं आपको बराबरी का अवसर देकर अपने बाहुबल अपने बाहुबल से हराना चाहता हूँ। तो आप 5 दिवस के आतिथ्य का आनंद उठाइए। 5 दिवस के पश्चात मुकाबला करेंगे। ये 5 दिवस पंडित रामकृष्ण किसी कारण से मांग रहा है। 5 दिवस में कौन सा बड़ा योद्धा बन जाएगा? स्वीकार है मुझे? स्वीकार है। उचित है तो शैतान सिंह को हमारे अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था की जाए। 5 दिवसों के पश्चात युद्ध होगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है, परंतु पंडित रामकृष्ण दरबार के पश्चात आप हमसे मिलिए, कुछ आवश्यक बात करनी है आपसे। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! प्रणाम महाराज। ओ भाग्य हमारे पंडित रामकृष्ण कि आपने हमें प्रणाम कहा, हमें इस सम्मान के योग्य समझा आपने। नहीं नहीं, इतने आश्चर्यचकित क्यों दिख रहे हैं आप? अभी कुछ समय पहले ही तो आपने हरे रात दरबार में यह स्पष्ट कर दिया था कि आप हमें भीरू समझते हैं, कायर समझते हैं आप हमें। कोई हमारे रात दरबार में आता है, हमें दंभ दिखाता है, चुनौती देता है, और हम तो इस योग्य भी नहीं है कि उससे द्वंद्व कर सके। आप हमें समझते क्या? हमारी छोड़िए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? पंडित रामकृष्ण क्या समझते हैं आप अपने आप को? हमारी रक्षा करने हेतु आपने स्वयं चुनौती उठा ली, अर्थात आप ये समझते हैं कि हम किसी से मुकाबला करने के लिए सक्षम ही नहीं है। और ये द्वंद्व कौन करेगा? स्वयं पंडित रामकृष्ण। कभी तलवार उठाई आपने पंडित रामकृष्ण? उठाइए तलवार। तलवार भी नहीं उठाए पंडित रामकृष्ण, और आप करेंगे उस महाकाय शैतान सिंह से द्वंद्व और विजयी भी हो जाएंगे। महाराज, मैं कैसे बताऊं आपको कि उस शैतान सिंह से कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु आपको बचाने का और कोई मार्ग नहीं था मेरे पास। मती मारी गई आपकी पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हमें ज्ञात हो रहा है कि आपको जीत की आदत पड़ रही है,
और इस आदत के चलते आपका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि आप वास्तविकता के मार्ग से भटक रहे हैं। लेकिन स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण, विजय की यह भूख और आपका यह दुस्साहस आपको महंगा पड़ सकता है। इस द्वंद में आपके प्राण भी जा सकते हैं पंडित रामकृष्ण। आशा करते हैं कि आपको ज्ञात है इस विषय में। ज्ञात है पंडित रामकृष्ण आपको? तो शीश क्या हिला रहे हैं? जाइए, जाकर द्वंद की तैयारी कीजिए। शूरवीर पंडित रामकृष्ण जाइए, महायोद्धा पंडित रामकृष्ण जाइए, जाइए पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। रामा, शीघ्र को युक्ति सोच। युक्ति? हाँ, युक्ति। और यही युक्ति पंडित रामकृष्ण का शस्त्र है। ये युक्ति नामक शस्त्र होता कैसा है? क्या हमारी तलवार से भी बड़ा है वो शस्त्र? महोदय, युक्ति हमारे गुरुजी के पास होती तो बताते ना। युक्ति युक्ति तो पंडित रामकृष्ण के पास है, उसकी उसकी बुद्धि से निकलती है युक्ति, तभी तो हर बार 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 पंडित रामकृष्ण ही जीतते हैं। परंतु हम चाहते हैं कि इस बार विजय श्री तुम प्राप्त करो, इसीलिए हम आपके शुभचिंतक बनकर आए। पंडित रामकृष्ण के पास बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि से हर संकट से बच निकलने का मार्ग निकाल सकता है। पूर्व में भी उसने एक पहलवान को हराया है, हाँ, और तुम्हारी शक्ति का तोड़ भी वो निकाल लेगा शैतान से। और यदि तुम्हें पराजित नहीं होना है तो जैसा हम कहें वैसा ही करो। परंतु मुझे करना क्या होगा? पंडित रामकृष्ण का ध्यान भटकाना होगा। तुम्हें मुकाबले से पूर्व पंडित रामकृष्ण का मनोबल तोड़ने का प्रयास करना होगा। अपने भय का मानसिक दबाव पंडित रामकृष्ण पर बनाना होगा। परंतु कैसे? वो हम तुम्हें बताएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मुकाबला करूंगा मैं उस शैतान सिंह का? रामा, इस बार कुछ अधिकता नहीं हो गई? हाँ बंधु, विशाल समस्या हो गई है। समस्या नहीं, इस बार मूर्खता विशाल हो गई है। चूहों से भयभीत होता है और चला है महायोद्धा से युद्ध करने। ये तूने क्या किया रामा? मैंने क्या किया अम्मा? हमसे शत्रुता निकाली है आपने, इसलिए मुकाबला करने चले हैं ना? क्या ये तुम मेरी बात तो सुनो। तुम अम्मा, शारदा के होते हुए तुम क्यों बर्तन मांज रही हो? क्या करूं, अभ्यास कर रही हूँ, फिर तो जीवन भर शैतान सिंह के घर ही बर्तन मांजने पड़ेंगे ना। अम्मा, मेरा क्या होता, मैं तो भला लिखा भी नहीं हूँ, वो मुझसे मजदूरी करवाएगा ना, भूसा उतवाएगा, दास बनाएगा, भीख भी बनवाएगा। बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? ये कैसा प्रश्न है? वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं? ठीक ही लग रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? हम कहाँ
आ जाएंगे। दासी बनने से पूर्व थोड़ा सच के देख रहे हैं। पता नहीं आपकी पराजय के बाद शैतान सिंह हमें किस हालत में रखेगा। हमारे पुत्र का क्या होगा? आपसे ये अपेक्षा नहीं थी बापू, मेरे चलने से पूर्व ही आपने मुझे दास बना दिया। वैसे उठा लो करते रहते तब कभी नहीं सुनते, और आज बिना किसी की सुने पीड़ा उठा लिया। हमारे भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा अम्मा। अरे किसी को किसी का भी दास बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि तुम लोग इतने भयभीत हो जाओगे तो मेरा जीतना तो कठिन हो जाएगा। भय समस्या को और भी बड़ा बना देता है। मैं ही हूँ वो योद्धाओं का योद्धा शैतान सिंह। नहीं 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 है किसी में इतना बल जो मेरे समान इस लोहे की छड़ को इस प्रकार आसानी से मार सके? है किसी में दम? देखना चाहोगे? अब आएगा आनंद। ये शैतान सिंह पंडित रामाकृष्ण को मानसिक रूप से पूर्णतः भयभीत कर देगा और मुकाबले से पूर्व ही मानसिक रूप से पराजित कर देगा और पंडित रामाकृष्ण हो जाएगा चारों खानी चित्त। तुमने ही मेरी चुनौती स्वीकार किया ना? इसी प्रकार तेरी इन बुझाओं को तोड़कर मोड़कर तुझसे अलग कर दूंगा मैं। मैं हूं शैतान सिंह और मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, तू भी नहीं। और बल देखना चाहेगा मेरा? ये है तू। ये है तेरी अकड़। बताइए इतने शक्तिशाली योद्धा से कैसे लड़ सकते हैं आप? मैं अपने शत्रुओं का यही हाल करता हूं। क्या दुर्दशा करेगा ये तेरी? सर्वप्रथम मुझे अपने परिवार के मन से शैतान सिंह का भय निकालना होगा। अच्छा तो गुरुवर भी यहां छिपकर आए हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या क्या कर्तव्य दिखाया तुमने। तुमसे चुनौती करने में सच में बहुत आनंद आएगा। किंतु एक बात बताऊं, जो मैं कर सकता हूं ना तुम वो कदापि नहीं कर सकते। अच्छा और मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे पीछे जो कंबल ओढ़ के व्यक्ति खड़ा है ना। कंबल ओढ़ कौन खड़ा है? अरे कंबल ओढ़ तो हम ही खड़े हैं। कौन सा? अरे वो काला कंबल लोड कर, उसे केवल एक हाथ से उठा सकते हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उठाओ उठाओ उठाओ। उठा लिया। लो उठा लिया। देख एक हाथ से उठा लिया इसे, और बोल क्या चाहिए तुझे? उठा तो लिया है किंतु ऐसे ही खड़े खड़े उछाल नहीं पाओगे।